लोगों में तो काफी शक्ति है ही, लेकिन हमारे टेलीविजन के शक्ति भी यहाँ पर हैं. एंड वेल मिस्टर डेविड, हर घर के ये फेमस सितारे हैं. आई थिंक यू नो हर घर में हर रात को इनकी बात होती है. एंड वी आर ट्रूली ऑनर्ड टू हैव सो मच ऑफ लव फ्रॉम यू पीपल. शक्ति, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट टू स्टेप फॉरवर्ड एंड स्पीक अ फ्यू वर्ड्स. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कंप्लीटली ऑनर्ड टू बी हियर ऑन द स्टेज. एक्चुअली सुमित ने मुझे कुछ दिन पहले कॉल किया था कि ऐसा कुछ एक रैम शो है, आप आ जाइए. तो मैंने सीधा हाँ ही कह दिया था, बिकॉज इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. एंड देन व्हेन ही केम टू माय हाउस टुडे इन द मॉर्निंग, सो आई सेड ये एग्जैक्टली है क्या, किस चीज़ का रैम शो है. मतलब सुमित इज अ गुड फ्रेंड, मैंने हाँ तो कह ही दिया था, लेकिन आई वॉन्ट टू नो. सो ही सेड दैट एसिड विक्टिम्स हैं और उन्होंने ये सब कपड़े बनाए हैं और उन्होंने उन्हें सिखाया है और आपको ये कपड़े पहनकर चलना है. एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड बाय दिस थॉट दैट ये कितना अच्छा कॉज है कि आप उनके कपड़े पहनेंगे जिन्होंने जो एसिड विक्टिम्स हैं और उन्होंने ये स्पेशली कपड़े बनाए हैं. सो आई वाज सो हैप्पी टू वेयर दिस क्लोथ्स फर्स्ट ऑफ ऑल. मैं सब लोगों को बोलना चाहूँगा, आपने बहुत ही कमेंडेबल जॉब किया है इतने अच्छे खूबसूरत कपड़े बनाकर. और हम तो ऐसे अच्छे दिखते नहीं, बस ये मेकअप वेकअप थोड़ा ऐसा वैसा कपड़े अच्छे थोड़े से पहन लेते तो हम दिख जाते हैं, अदरवाइज सब फोटोशॉप पे कमा लेंगे. थैंक यू सो मच दौलत भाई फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब. एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे आज ही एक चीज़ रियलाइज हुई, मैं वहाँ बैठा था, सबको देख रहा था वॉक करते हुए. हम एक्टर्स या फिर हम मॉडल्स, एक पिंपल आ जाता है चेहरे पर तो हम इतना घबरा जाते हैं कि अरे यार पिंपल आ गया, ये आ गया, वो आ गया. But I can understand what must be going through your confidence, because एक पिंपल मेरे कॉन्फिडेंस को हिला सकता है, तो आप लोगों के दिलों में क्या गुजर सकती है. I can completely imagine that. And hats off to each and every one of them who are standing here to give the answer so beautifully. I just wish from God, I pray from God कि भगवान इनको बहुत स्ट्रेंथ दे, बहुत साहस दे, जैसे कि साहस फाउंडेशन दे रहा है, और इसी तरीके से अच्छी जिंदगी गुजारें. एंड आई जस्ट फील एंड आई प्रे दैट गॉड विशेस यू वेल एंड गिव्स यू लॉट ऑफ विजडम एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. वी रिक्वेस्ट क्वालिटी जी टू फिल से शक्ति अरोरा प्लीज. एंड आई एम हियर टू टॉक टू आवर शो स्टॉपर The lovely lady, ladies and gentlemen, please put your hands together for the very, very gorgeous and stunning Neha Saxena. How are you feeling, Neha? Feeling great, and to be a part of such great cause, it's a wonderful feeling. Shakti ne mere dil ki baat chheen li. Main bhi wahi soch rahi thi ki ek choti si kharoch ya koi cheez hamare chehre par aa jati hai, hamara pura confidence gir jata hai, hum itna sara makeup lagate hain ki wo dikhe na. और जिस कॉन्फिडेंस के साथ इतने ब्यूटीफुली ये लोग वॉक कर रहे हैं, एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय देम कि इनका जो कॉन्फिडेंस है वो मैं ग्रैब कर सकूँ. एंड आई कैन यू नो इन माय लाइफ वॉक सो ब्यूटीफुली लाइक दे आर वॉकिंग. सो थैंक यू दौलत जी फॉर सच ग्रेट कॉज, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू वेरी मच. रिक्वेस्ट टू बी सेंटर स्टेज एंड वी वुड लव टू प्रेजेंट अ स्मॉल टोकन ऑफ लव मोमेंटोस टू आवर We did love. We did love to finish the sorry secret conversations only. I'm so sorry. We did love to finish the our. ACP sir, can I please request you to step forward. Thank you for all the love and support to aapne hame diya, aur truly honored sir to have your presence. Sunflowers. And we did
we did request Dorothy G to Penn State, Sumidas Gupta, and our show director, K.K. Krishna. Wait. छोटी सी चीज मैं कहना चाह रहा था, हम एक्टर्स लोग कई बार एक फैशन शो में आते हैं, परफॉर्म करते हैं और पैसे लेते हैं काम करने के, लेकिन आज मैं सुमित जी को इस फाउंडेशन को 11,000 देने का अनाउंस करूं। Madhushree ji. Fragrance of flowers from our end, from Sahas Foundation. Thank you so much. And of course, the ladies and gentlemen. मेरे मन में कुछ आता है, मैं तो सिंगर हूँ, बताओ क्या चल रहा है? Any guess? I'm not a talker, मतलब एक्टर भी नहीं हूँ, मैं तो सिंगर हूँ, प्लेबैक सिंगर, पर्दे के नीचे। ठीक है, मेरे मन में यहाँ पर आने के बाद कुछ चल रहा है, क्या करें? मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करूँ और मैं एक शो करूँ, म्यूजिकल प्रोग्राम, जिसमें जो प्रॉफिट होगा ये ऐसे फिक्री उसको दिया जाएगा। आप सबको सपोर्ट चाहूंगे, इसमें सबको आना है, सबको सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच। माय गॉड, सिर्फ गुनगुनाना नहीं था इन्हें तो एक्चुअली वो कहते हैं ना कि हमने यू नो आपसे फिंगर मांगा, आपने तो हाथ ही के आपने अपने आप को पूरा दे दिया। थैंक यू सो मच, ट्रूली टच्ड। और दौलती, आपका इवेंट अब समाप्त होने को है, आफ्टर यू फेलिसिटेट केके, तो पहले इनका कर दीजिए फिर मैं कहती हूँ, वरना केके कहेंगे आई एम स्टिल देयर। केके, थैंक यू सो मच। आवर शो डायरेक्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल अक्रॉस फॉर केके कृष्णा। We did also We did also love to have our makeup artist Sunil ji. Can we please have Sunil ji, our makeup artist, for all the love and hard work you've given us? Pinky, Prashant, Raj Garia, Mrs. Asia 2017, and good evening, everyone. I am Pinky Prashant Rajgaria, Mrs. Universe Business Lady 2017, Mrs. Asia 2017, Eastern Mrs. India 2016, Mrs. India Fitness 2016, Mrs. Popular Mrs. India 2016. And by profession, I was an advanced psychologist, and I am a brand ambassador of VDIS Special School, which is situated in Malad West. And I advocate on Beti Bachao, Beti Padao, and Women Empowerment. I would like to convey my message to each one. Manzile unhi ko milti hai, jinke sapno mein jaan hoti hai. Pankh se kuch nahi hota hai, hausle se udaan hoti hai. Thank you so much. God bless everyone. My name is Melissa Patheria, and I'm from Ambition Salon, one of the event partners. When I got the opportunity to do the hair and makeup for all the acid survivors, I would say, not victims, you know, they've survived such hardship. And like Shakti mentioned earlier, wonderfully walked ramp. And I thank Dorothy and the Sahas Foundation to give me this opportunity to be able to come with my team and, you know, make a beautiful soul more beautiful. Thank you so much once again. Thank you. For all the love and support that you've given us, we'd like to felicitate you as well. Melissa, thank you very much for all the beautiful faces that you've done today, this evening.
we'd like to facilitate you as well. And Sunil ji, can we please have a year? We did love to facilitate this Gayatri Tiwari too. Mrs. India Planet 2018, and I did request the entire crew, lights and sound, everyone at the music, each and every one of you for your love and support. Thank you, bahut bahut shukriya aap sab logon ko. Main sare hamare models jo hain, acid survivors ko manch ko banana chahungi. Can we please have all the acid survivors, our models here? Can we please have Sunny Singh here? We would love to felicitate Sunny Singh.
काम कर रहे होंगे और बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन बारीकियों से साथ में काम किया हुआ है। तो आई फील ईच एंड एवरी डिज़ाइन जो भी है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, आई फील इट्स फैबुलस और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के भी, पहन के भी और यहाँ आके भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या कहूँ, शब्दों की कमी है। जिस तरीके से ये अकेली आज काम कर रही हैं, नमन इनको, हैट्स ऑफ टू हर। देखिए ये सोच लाना भी कि भाई कुछ करना है, और उन लोगों के लिए करना है जिनको समाज ने एक तरीके से साइड में रख दिया है। इट्स रिक्वायर्स गट्स, इट रिक्वायर्स पेशेंस, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टीम वर्क। एंड शी बीइंग द हेड ऑफ़ द फैमिली, जिस तरीके से वो कर रही हैं, आई एम टेलिंग यू, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। सल्यूट्स टू हर फॉर टेकिंग सच अ थॉट अहेड। आई रियली विश हर ऑल द वेरी बेस्ट इन ऑल हर फ्यूचर एंडेवर्स। होप शी डज समथिंग दैट यूनिक विच द इंडियन कॉन्टिनेंट कैन बी प्राउड ऑफ हर। डिज़ाइंस की अगर बात करें तो सर्वाइवर्स ने सारे आज के जितना भी डिज़ाइन किया था उसके बारे में अमेजिंग थॉट अगेन। नो दीज आर दोज फेसेस वी शुड बी टेकन फॉरवर्ड। आज टॉप मोस्ट डिज़ाइनर्स तो सब जानते हैं, लेकिन जो हिडन टैलेंट इनमें है, इट्स टाइम नाउ दैट द कॉन्टिनेंट रियलाइजेस कि वी शुड टेक दिस फेसेस फॉरवर्ड। आप क्या कहना चाहेंगे, समाज ने आपको बिल्कुल अलग कर दिया था, उसके बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत, कंधे से कंधा लगा के आज, क्या कहना चाहेंगे? कभी सोचा था आपने? एक्चुअली कुछ बोल नहीं सकते, समाज की सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, लेकिन हम किसी के मेंटेलिटी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम कुछ चीज़ें चेंज ज़रूर कर सकते हैं। लाइक अगर सोसाइटी हमको अपसेट नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, तो हम अपने आप को ही चेंज कर लेते हैं। उनको हमारे अच्छे चेहरे की ज़रूरत है और हम ये चेहरे के साथ ही जिएंगे, क्योंकि हम तो चेहरा अपना बदल नहीं सकते हैं। अब लोगों को भी समझना चाहिए कि यही एक हमारी सच्चाई है और हमको भी जीने का हक है। और थैंक्स तो सबसे पहले मैं अपने अनिल जी का ही कहूँगी। मैंने 2015 में ये चीज़ शुरू किया था ऐसे विक्टिम, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत धक्के खाए हमने, बहुत लोगों ने हमको झूठी झूठी होप दिया है, बट किसी ने किया नहीं। लेकिन हम 2016 में जब ये रजिस्टर किए, तो पहला ही इवेंट हमारा अनिल जी का था, उन्होंने हमको बुलाया था अपने इवेंट में, और तब से अब तक उनका हाथ हमारे सर पर है और हमारे लिए हमेशा वो हेल्प करते हैं। फिर हमने ये चीज़ सर को बताया, सर हम ये चीज़ ये कर रहे हैं डिज़ाइनिंग सब बना के। तो सुमित दास जी गुप्ता, वो हमारे लिए जो कि कोई भी मुंबई जैसे शहर में शेल्टर की हेल्प नहीं करता है, और हमको कुछ करना था और मेरे पास फ़ंड नहीं था, क्योंकि फ़ंड आने के लिए बहुत टाइम लगता है, जद्दोजहद करना पड़ता है, और वही हम स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर सुमित जी ने अपना होम जगह प्लेस दिया, उसमें हमने छोटी सी शुरुआत की है 30 दिन पहले, जिसमें मेरी दो बहनें और थोड़े बहुत एसिड विक्टिम ने बहुत साथ दिया, और वो टीम को मैं ज़रूर मिलाना चाहूँगी आपसे। एक्सक्यूज मी सायरा, अपनी टीम को लेकर ये देखिए, सी इट्स नथिंग अबाउट चैलेंजेस। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप में वो जज्बा है कुछ आगे लेके बढ़ने का, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टुडे। Trust me, it's not about talking philosophy. The word impossible says I am possible. So it's challenges, definitely. They keep coming, they keep going. But the idea is to move forward. And that's what one should strongly believe in. Ki aage badhna hai. Yaar, ye team sab jo humne bahut hard work kiya hai 30 days mein. क्या कहना, आपका अभी कितने ऑपरेशन हो चुके हैं बताना चाहेंगे आप अभी तक कैसे, मतलब? मेरे 13 सर्जरी हो चुकी है, लेकिन और भी है, बट मुझे अभी अपने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही करीब और बहुत दर्द की मैंने जिया और अभी भी जी रही हूँ, और अभी जिसको ज़्यादा ज़रूरत है मैं जी नहीं रहा, अभी स्ट्रांगली जी रहे हैं।
हाँ स्ट्रांगली जी रहे हैं और जैसे कि अभी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं हम, अनिल जी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, सुमित दास जी जो अपना कीमती टाइम निकाल के हमको सब डिज़ाइनिंग सिखाए हैं और उनकी जगह पहली बात बताया ना आपको, एक महीने से वो अपना प्लेस ही दिए, वो एक महीने में हमने मशीन विशीन डाल के छोटी सी शुरुआत किया है लाइफ में, इसको हमको स्टॉप नहीं करना है, इसको आगे लेके जाना है। और सबसे पहले ये इतनी प्रेग्नेंट हो के भी मशीन पे बैठती थी और ये तो देख नहीं सकता है लेकिन ये फिर भी अपने आप से बैग बनाया है। ये छोटी सी टीम है जो एक महीने में हमने डिज़ाइन किए, कपड़े डिज़ाइन किए, हैंड बैगेज बनाए, दुपट्टास बनाए, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कम समय में हमने बहुत मेहनत किया है। ये देखिए इंट्रोडक्शन दे बेटा, एक काम करो इनको बीच में ले लो अभी आप, हाँ सेंटर ठीक है ना, आप भी आ जाइए। माई नेम इज़ ज़ैबा, मुझे इनके साथ काम करते हुए अच्छा लगता है और इनके साथ काम करती तो मुझे अपनापन सा लगता है। इन लोग बहुत अच्छे हैं, मैं चाहती हूँ कि इन लोग हमेशा आगे बढ़े और ज़िंदगी में अच्छे से रहें। आप क्या कहें? मेरा नाम रेशमा है, मैं एक ऐसी विट्टी हूँ और मैं मेम्बर भी हूँ ऐसी सरल सास फाउंडेशन की और दौलत बीवी के साथ में मैं चाहती हूँ कि और मैं साथ में काम करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एसिड सरोवर साहस फाउंडेशन जो जिसने हमें जो राह दिखाई हम उस पर खड़े चलना चाहते हैं, अच्छे से जो दिशा हमें दिखाई उस पर हम चलना चाहते हैं। मैं खुद एक एसिड विक्टिम हूँ, साहस एसिड सभा में साहस फाउंडेशन की मेंबर हूँ जो दौलत भी का है, उन्होंने हमको नई एक राह दिखाया है और जो हम नहीं सोचे थे जो कर पाएंगे वो सब कर पाए हैं, सुमित जी, के जी और जो हमारी मेन हेड ऑफ दौलत भी खान जिन्होंने हमको एक अलग ही राह में पहुँचा दिए। हम लोग पढ़े लिखे तो थे ही नहीं ऑलरेडी और जल भी चुके थे तो जॉब तो था ही नहीं, पर इन्होंने हमको आज हमारे पैरों पे सब सुमित जी, दौलत भी एंड के जी मिलके और ये जो हमारे अनिल मोहरकर सर है और हमारी जो मैम है सीएम की वाइफ है अमृतम फंडानिस जो मैम है, उन्होंने सब ने मिलके हमको बहुत हेल्प किया, उनके लिए थैंक यू सो मच। आज हम हमारे पैरों पर खड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। ऐसा अगर कुछ आगे कभी हादसा हो जाता किसी के साथ लाइफ में तो क्या नया मांगना चाहेंगे आप? अभी हाल ही में आसिफा के साथ कुछ हुआ, लड़की लड़की है कोई भी? नहीं, एक्चुअली हमारा जो यहाँ का लॉ है ना बहुत ही कमज़ोर है, इस तरीके से अगर हम उनको पनिशमेंट अगर सख्त नहीं करते तो ये क्राइम रुकेगा नहीं। और मैं तो चाहूँगी कि आप सब हमारी सपोर्ट कीजिए, ये जो क्राइम हो रहा है उसके लिए हम एक अवेयरनेस करना चाहते हैं, अगर आप लोग सपोर्ट देंगे तो ये चीज़ को हम ज़रूर, इंसानियत को मरने नहीं देना चाहिए, इंसानियत को साथ देना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए वो दूसरे की बेटी है, दूसरे की बहन है। आप सोचिए कल आज हमारे साथ तो कल आप लोग के साथ, अल्लाह ना करे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इन्होंने, कल इट्स अबाउट नॉट टुडे, कल कोई अपने घर की बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, तो इट्स अबाउट मेकिंग अ ह्यूमन अंडरस्टैंड रादर एजुकेटिंग द मेन, इट्स नॉट अबाउट एजुकेटिंग द वुमेन, एजुकेटिंग द मेन टू अंडरस्टैंड कि दे शुड बी रियलिस्टिक एंड डू जस्टिस एंड बी प्रैक्टिकल एंड रिस्पेक्ट वुमेन एट लार्ज। थैंक यू सर। थैंक यू। अमृता मैम के लिए एक वर्ड बोलना चाहती हूँ मैं। हाँ ठीक है, चलिए नहीं बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है और आज के बारे में जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो तजुर्बा हुआ है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी जो हमारे शो स्टॉपर्स थे आज के, वेल बहुत ही सुपर नोन रिनाउंड गाइज हैं टेलीविज़न के, और उन्होंने भी जो बात कही है एक्चुअली मेरे दिल को छू गई। उसने कहा, शक्ति ने कहा कि एक पिंपल हमारे फेस पे आ जाता है तो हम बड़े टेंशन में हो जाते हैं कि हम ऐसा चेहरा कहाँ पे दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे, हम मेकअप से उन्हें कवर कर देते हैं, बट हमारे जो एसिड के सर्वाइवर्स हैं
बेमिसाल हैं, जिस तरह से उन्होंने वॉक किया, जो कॉन्फिडेंस है उनमें और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी सुमित दास गुप्ता से, जो डिज़ाइनर हैं आज के, और सिर्फ डिज़ाइनर ही नहीं, इन्होंने इन सब लेडीज़ को मेंटोर भी किया था। एक महीने से उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं टू स्टिच द आउटफिट्स, और जो आउटफिट्स हम लोगों ने आज पहने हैं दोज आर मेड बाई द एसिड सर्वाइवर्स। आई मीन इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। वो कहते हैं ना, यू नो, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। तो यहाँ पर जो माहौल था सिर्फ प्यार भरा था, इट वॉज ऑल ऑफ लव, इट वॉज ऑल, सब देना जानते थे। और जो हमारे सिंगर भी आए हुए थे, मधुश्री आए हुए थे, उन्होंने भी कहा दैट आई एम सो टच्ड कि वो स्पेशल शो रखना चाह रहे हैं एसिड सर्वाइवर्स के लिए, कि जो भी फंड्स कलेक्ट होंगे और इनके बीच जाएंगे। सुमित, मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके डिज़ाइंस तो ऑलवेज लाजवाब होते ही हैं, लेकिन जो आपने आज किया है इन एसिड सर्वाइवर्स के लिए, और इन्हें जो 1 month से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो कॉन्फिडेंस आपने उन्हें दिलाया है, क्योंकि एक होता है कि आप उनकी मदद करें, एक होता है मॉनिटरी मदद, एक होता है आप उन्हें खुद इंडिपेंडेंट बनाएं कि वो खुद मेहनत करके खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके, और आपने आज वो काम किया है। तो आई रियली हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यू, आई एम ट्रूली टच्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब दौलती जी से सब जस्ट जब जो मिला था मैं, तो उनका जो कॉन्सेप्ट था तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। सो एसिड विक्टिम्स के लिए काम करते हैं एंड वो लोग जिनका मतलब यू नो पास मनी नहीं होते, वो लोग उनको हेल्प करते हैं एंड उनका सर्जरी करवाते हैं, उनका मेडिसिन देते हैं एंड उनका कपड़ा भी मतलब देते हैं उन लोग को। तो बहुत टची था मेरे लिए वो चीज़। तो मुझे लगा कि इन लोगों को कुछ करना चाहिए, सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए एंड कमर्शियली उनको कुछ बेनिफिट होना चाहिए। क्योंकि देखो, डोनेशन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन खुद से सेल्फ डिपेंड होकर कपड़ा बना के या बैग्स बना के वो मार्केट में सेल आउट करेंगे, तो दैट इज़ अ सेल्फ डिपेंड। मतलब कि कुछ प्रोडक्ट बिक के मतलब वो चीज़ पर मतलब यू नो मनी एक अर्निंग हो रहा है, दैट्स अ बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। तो एक महीना डेढ़ महीना हो गया, मैं उन लोगों को काफ़ी सारा खूब सारा सिखाया, जो वो लोग अपना पाँव में खड़े हो। तो डेफिनेटली आई एम सो हैप्पी कि वो लोग बहुत जल्दी कैच किया और बहुत जल्दी सीखा एंड बहुत ही आप लोग रिजल्ट देख ही रहे हो, बहुत अच्छा अमेजिंग मतलब डिज़ाइंस करते। तो मेरा पार्ट था डिज़ाइन सिखाने के लिए। तो थैंक यू सर। देना चाहेंगे आप इन कैंसर सर्वाइवर्स, सॉरी एसिड सर्वाइवर्स को, ताकि वो अपने लाइफ में और भी आगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एसिड बिकना बैंड होना चाहिए, बोलो फर्स्ट थिंग कि एसिड बिकना मार्केट में बंद होना चाहिए, उसको बैंड करना चाहिए एसिड। जो एसिड मतलब एक इंसान की मतलब जान ले सकते, मतलब इतना मतलब उनका स्पॉयल हो जाता लाइफ, राइट। एंड जिनका साथ एसिड मतलब ऐसा हादसा हो जाते हैं, तो टूटना नहीं है हमेशा, मतलब एक रखना बूस्ट, मतलब हमेशा की लाइफ में मतलब कुछ करना है, राइट। तो हमेशा मतलब यू नो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, दैट्स अ थिंग। तो यू नो लाइक विनर, दैट्स अ विनर। Hi, I'm Gayatri. See, I belong to an army background and I have driven all the way from Pune for this show after denying 2 other patrons to be a judge in those 2 patrons, because I feel that this is a very, very noble cause, because everybody wants to work with beautiful people, beautiful things, creative things, but there is a lot we need to do for these acid survivors. We have learnt a lot of things from them today as a whole. I'm speaking for the entire team who has been working at this non-stop for past 1 entire month, that they have been so tenacious and so hardworking. They are so humble. It is like we in the army, we are already very humble because we look towards other people's comfort before we look at our own. And today I saw that they are so, so humble, so noble in their entire outlook towards life, their spirit, their undying spirit. As they have already mentioned earlier, that small issues, we are all the time making such, you know, we always blow it up. Our looks are so much more important than our feelings towards each other. But with these people, working with these people, it has been extremely highly humbling and nobling. I am so grateful to Sumit Das Gupta for making me a part of this great show. Thank you so much. देखिए, ये लोग सुमित दास गुप्ता डिज़ाइनर मेरे फ्रेंड हैं, उन लोगों ने इस एनजीओ के साथ इंट्रोडक्शन कराया। इससे पहले कोई एक पार्टी थी,
और बीच में से वो लोग चले गए राइट। लेकिन आफ्टर मैं खुद एक बड़ी इवेंट में कंपनी सोलो चलाता हूँ, 17 साल से मैं काम करता हूँ, शो डिजाइनर शो डायरेक्टर हूँ मैं। तो ये फैशन था और फैशन पे इन लोगों ने कुछ प्रेजेंटेशन बनाई थी, लेकिन एसिड सर्वाइवर जो विक्टिम्स हैं उनको तो अपना ही एक जो ज़िंदगी है उसमें ये लोग विक्टर्स होके, विक्टिम्स नहीं है विक्टर्स होके ही अपना साहस होके अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इनका सारा प्रेजेंटेशन, इनका हिस्ट्री देख के मैंने एक न्यू होप, क्योंकि न्यू होप इसलिए ये थीम क्यों है, हम लोग किसी हर आदमी के साथ एक होप होती है कि मुझे ऐसा करना है। इसके साथ मुझे लगा कि नई होप, नई ज़िंदगी के साथ ये करना चाहते हैं। ये टैगलाइन ट्रेडमार्क मैं इनके लिए कराने जाऊंगा, अभी नहीं कराई है। न्यू होप में खादी के खादी सल्यूट एसिड सल्यूट, खादी के सारे कपड़े इन लोगों ने बनाए हैं और मेंटर हैं सुमित दास गुप्ता। पूरा एंटायर शो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट वो मैंने तैयार किया कि कैसे कैसे लोग रैंप पर आएंगे, कैसे लोग चलेंगे। तो स्टार मुझे इन लोगों ने दिए, स्टार्स हैं ये, मॉडल्स हैं और कुछ डांस के लोग हैं, लेकिन डांस स्टार सब बहुत दूसरे डिफरेंट शोज़ होते रहते हैं। थीम था एसिड विक्टर को रैंप पे लेके आना, समाज के लोग, समाज के जो गेस्ट आए उनको दिखाना। उनको पता भी नहीं है कि इन लोगों को इतना दर्द है, इतना मतलब लोग अगर थोड़ा सा भी उंगली जल जाती है तो कितना दर्द होता है। इनका तो पूरा शरीर ही जला हुआ है और उसके बावजूद भी इन लोगों को एक नई ज़िंदगी जीने के लिए डोनेशन इकट्ठा करने के लिए आइडिया आया। इन लोगों ने अपना कुशन, बेड शीट और डिज़ाइनर कपड़े तैयार किए, फिर एंटायर प्रेजेंटेशन बना के कि उसको लाइनअप किया, क्यू शूट करा कि पहले क्या होना चाहिए, और इनका जो एवी बनाया जो अबाउट एवी वो भी मैंने डायरेक्शन दे के इन सबको उतना स्प्रिट जो मेरा टैलेंट जो मैंने सीखा वो इनको डाला। काफ़ी लोगों ने प्रेज़ किया है और बहुत ही ऑर्गेनाइज शो रहा, और मीडिया जितना इन लोगों के बारे में जितना ज़्यादा अवेयरनेस देंगे, ज़्यादा लोगों को पता लगेगा, उससे इन लोगों का डोनेशन आएगा, तो ये लोग अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे लेवल पे ले जाके और समाज में एक नई प्रेरणा दे सकते हैं दूसरे लोगों को भी कि ये जले हुए लोग इतना आगे निकल सकते हैं, तो आम आदमी भी इंस्पायर होकर ऐसे काम। इतना ही कह पाऊँगा इस बात के लिए, और थैंक यू सो मच। प्रचार सबसे बड़ी माध्यम है, प्लीज़ का पूरा इंडिया का प्रचार इस एसिड विक्टिम के शोज़ को, पहला है इनका इतना बड़ा, इसको थोड़ा और आगे ले जाएं, इनको इतना मैक्सिमम पैसा चाहें तो ये समाज के साथ उतना पैरेलल में काम कर पाएं। थैंक यू सो मच।